हाँ तो यार अभी देखो, अभी हम दोनों साथ में जाएंगे और हमको जाना है अभी काफ़ी दूर। तो वैसे तो एक गाड़ी में जाने वाली थी, पर मैंने इसे बोला कि मेरे साथ बाइक में चल। तुझे हो रही हो कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल सही है, कंफर्टेबल एकदम। अच्छा। चल ठीक है। जब तुम बैठा था तब लगा था थोड़ा पिछाड़े पे, पर अब सही लग रहा है। यहाँ से पहले तो अपने होम टाउन से निकलेंगे हम। इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है वैसे ही, पेट्रोल ही भरा दिया। ओह ये अब चलेंगे आराम से। पहली चीज़ देखो, हाथों का टैन बचाना है, बाकी कुछ नहीं। अभी हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? चलो पता नहीं कौन कौन सी जगह का नाम ले रही है, पर जहाँ भी जाएंगे हम काफ़ी लंबा जाना है। और वैसे ही ट्रैफिक बढ़ चुका है क्योंकि यात्रा सीज़न स्टार्ट हो गई है। यात्रियों की भीड़, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हमें भी कंफ्यूज करते हो। एक्सीडेंट हो गया किसी का, मुझे लग रहा किसी को ठोक दिया है इन्होंने। ओहो ये अंकल लोगों को हटने देना, तब चलते हैं। कहाँ पे रोको, कहाँ पे लगाया जाए? नहीं भाई कहाँ पे लगाऊँ? ये देखना ये ट्रैकर का एरिया है पूरा, यहाँ पे भी। क्यों कुछ खाएगी? कुछ खाएगी तू? एक अकाउंट बन गई यहाँ पे। चल उतर जा। अब दिक्कत ये हो रही ना हमको कि इसकी जो वैनिटी है ये वाली इतनी बड़ी, इसको ले आके ढोना, इसको ढोना पड़ा है, इसको ले आने नहीं पड़ा, इसको ढोना पड़ा है। ये ले पकड़, ये ले पकड़ना इसे। अब यहाँ पे जब तक एक दीदी आती है, दीदी को पकड़ाएंगे वो, क्योंकि बस से जा रही है, तो तब तक ले इधर ही वेट करते हैं यहाँ पे और कुछ पीते हैं खाते हैं। अरे यार ये देख रहे हो लड़कों को देख के कितना फ्लैट हो रही है। बहुत बेकार है। तो अभी अपन लोग फ्री हो गए एकदम, ढीले एकदम खाली। दम बम बोले, तेरी नाक टूट गई? तेरी नाक तो कटी हुई थी। एक इंसान की नाक कैसे टूट सकती है जब उसकी नाक कटी हुई है? तो अभी देखो यार हम लोग रुद्रप्रयाग के मार्केट मांगेंगे। सर देखो अभी हम रुद्रप्रयाग के मार्केट से निकल चुके हैं और यहाँ से अभी हम जाएंगे बद्रीनाथ वाले रूट पे। तो यार ये देखो अभी हम नगरासु पहुँच गए और ये है गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। तो काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है वैसे नगरासू का। अगर आप लोग पंजाब से हो तो आप लोगों को पता होगा वैसे, क्योंकि हेमकुंड तो आप आए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। मेन हब है ना वो एक तरह से हेमकुंड। अरे भाई स्नैप हो गया यार, स्नैप स्नैप जब देखो। रुक भी नहीं, एक बात बोलूं क्या? एक चीज पकड़ेगा, एक चीज दे। मेरे जूते पकड़ दे प्लीज। तेरे जूते क्यों पकड़ने? मैंने पकड़ लेना प्लीज यार, मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया, गर्म हो रहा मुझे। तेरे पैर में दर्द हो गया तो मैं जूते क्यों पकड़ू? पर आगे रख दे बाइक में। अरे पागल है क्या? मैं अपने सर में रख दूंगा, बाइक में नहीं रखूंगा। रख दे सर में, रख दे अपने आज। बाइक मेरी भगवान है ठीक है, और भगवान के ऊपर कभी जूते नहीं रखते। तो यार ये देखो अभी मैं गौचर पहुँच चुका हूँ और ये शिवानी जा रखी है किसी, क्या क्या हुआ ऊपर हूँ तो यहाँ गौचर में अभी इसको कुछ काम है। तो ये तेरी मौसी लोगों के घर है और किसी के आने जाना है एक के अलावा बस? चलो तो मैंने यहाँ से निकल गया हूँ अकेले और शिवानी यही अंदर रुक गई है आज। आज अभी मुझे नंद प्रयाग घाट जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे तो ड्रोन का शूट है। अरे भाई साहब पानी देखो क्या मस्त आ रहा है यहाँ पे।
तो यार देखो शिवानी अपने अब यहीं जाएगी अपने भैया लोगों के यहाँ। ओए भाई तो करके जाए एक मिनट। तो शिवानी अभी यहाँ जाएगी अपने भैया लोगों के यहाँ ही, और आज स्टे इसका यहीं है। मैं तो अपना निकलूँगा क्योंकि मेरे ड्रोन का शूट है शादी में। चल ठीक है मिलते हैं भाई। तो अपन लोग चलेंगे अब ऊपर की तरफ। ये निकली हाँ। अरे भाई साहब, अरे यार नहीं अभी यार देखो फिलहाल मैं गौचर में ही हूँ अभी। तो यार देखो यहाँ पे क्या पानी पानी हो रखा है भाई। पहले मैं गाड़ी आगे निकालता हूँ यार, नहीं तो यहाँ मैंने भीग जाना है पूरा। अंदर दबा दो। अबे अंदर दबा देना बेवकूफ। ये अलग ही बेवकूफ चल रहा। मैं बहुत बुरा फंस रखा हूँ, बारिश आ रही बहुत तेज, तो बड़ी दिक्कत हो रखी है यार। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा अब अंधेरे में कैसे जाना है मैंने यार। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पे और बारिश भी तेज हो रखी है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। तो अभी फिलहाल मैं यहीं पर रुकूंगा और थोड़ी देर में निकलता हूँ खाना पीना खा के आराम से अपना डिनर करूंगा यहीं पे। और काफ़ी अच्छी जगह यार, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो यार देखो अभी सुबह हो गई है और जैसे कि कल आपने देखा बारिश आई थी बहुत तेज और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और शिवानी तो वहीं रुक गई थी गौचर में, और शायद आज मतलब अभी शादी है थोड़ी देर में, तो उसने शायद तो अभी दीदी के साथ उसने आना है। और फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ अकेला रहूँगा और अपना काम करूँगा जो ड्रोन की बुकिंग्स वगैरह मिली है। देखो ब्रश करते करते मैं वहाँ आ गया जहाँ साड़ी होनी है, और यहाँ पे अभी खाना बन रहा है। तो आज सारा फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, और तो अभी यार हल्दी में जाऊंगा मैं पहले, और 10 मिनट में अभी 10-15 मिनट में शिवानी यहाँ पहुँच जाएगी। फिर एक दो घंटे तो लगेंगे तैयार होने में, तब तक हल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर सीधे शादी में मिलेंगे मे भी। ओए छोटू 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 छोटा डॉन छोटा डॉन, खाओ खाना। मैं तो खा ही रहा हूँ खाना। खाओ, मैं आ भी गई, मैंने खाना भी खा लिया और हनी मुझे अब मिल रहा है। पहले काम आता है उसके बाद। मैं आ भी गई, मैंने खाना भी खा लिया, उसके बाद मुझे हनी मिला। ठीक है, इसको इतनी होश नहीं थी कि इसे मुझसे भी मिलना था। पैसा पैसा। तो देखो ये रेडी है मंगरा पुजाई के लिए। मंगरा पुजाई बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? धारा पुजाई। धारा पुजाई के लिए हम रात में निकले थे दुल्हन दुल्हन के साथ, और दुल्हन के साथ और दूल्हे के यहाँ आ रखे है, और बहुत ही सुंदर जगह है यार ये सही में। और अभी पता नहीं कौन कौन सी रस्में हैं यहाँ पे पूरी होनी। और हम कहाँ जा रहे हैं? धारा पुजाई के। धारा अब इसी इन्हीं को पता है जहाँ भी जाना है। मेरा क्या काम, मेरा तो यही काम है। धारा पुजाई मतलब पता है? नहीं। पानी की पूजा करने जाते हैं? पानी की पूजा, अब जो भी है चलते है पहले वहीं। अब जा रहे हैं हम धारा पुजाई के लिए। बहुत गंदा, पैदल पैदल ऊपर से रास्ते। गगरी तो इसकी मैं लेके चल रही हूँ, इसको फिर भी गंदा लग रहा है। नहीं नहीं इसी वाली तो बहुत अच्छी है यार। दुल्हन के साथ हम आ चुके हैं अभी, हमने धार जैसे जाना ही था रास्ते में, और ये दुल्हन हमारे पीछे। हेलो गाइस, दुल्हन बहुत भयंकर है हमारी। तो यहाँ पे अभी इंटीमेट पोजेस चल रहे हैं अभी थोड़े। यहाँ पे देखो पैसों की तस्करी चल रही है। तो यार हम चलते हैं अब, और घर हमारे घर जाने का टाइम आ चुका है, और ये रही हमारी दुल्हन। अच्छा भी लग रहा है कि जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, ओके।